Hi guys, what's up? Hello and welcome back to my South India travel series. And here I am back with another travel vlog, जहाँ मैं आज आप सभी को मेरे साथ लेकर जाने वाली हूँ बैंगलोर दर्शन के लिए, जिसमें मैं आज मेनली चार टूरिस्ट स्पॉट्स कवर करने वाली हूँ जो आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए अगर आप बैंगलोर सिटी के आसपास के प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहे हो तो। और साथ ही साथ आज हम यहाँ के खान पान यानी फूड को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट राइट इन टू द वीडियो। बैंगलोर दर्शन के लिए, जिसके लिए हमने हायर किया है एक ट्रैवलर। अब देखते हैं कि उसकी जर्नी कैसे हुई। फिलहाल हम होटल में हैं, अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे और वहाँ से हम लोग ट्रैवलर में हम लोग आज पूरा बैंगलोर का जो मेन मेन स्पॉट्स है उसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। सो लेट्स सी आज का एक्सपीरियंस कैसा होता है। लेट्स गो इनसाइड, चलो। ओके, राइट नाउ वी आर इन द लिफ्ट। अब हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर दर्शनी के लिए, जिसमें हम लोग मेन स्पॉट्स कवर करने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे ग्राउंड फ्लोर। दोस्तों, आज बेसिकली हमारा डे टू व्लॉग है। अगर आपने डे वन का व्लॉग अब तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर वीडियो का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप डे वन का व्लॉग भी देख सकते हैं। और अब जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली हमारा होटल है। हमने बैंगलोर में यही पर स्टे किया था और ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे का पूरा इसमें होटल्स ही होटल्स है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और जितने भी टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स हैं सब आपको यहीं पर मिल जाएंगे। इसके बाद हमने किया ब्रेकफास्ट, जिसमें हमने अपने अपने अकॉर्डिंग किसे जो भी चाहिए था ऑर्डर किया। मैंने किया था मसाला डोसा और बेसिकली ये साउथ इंडिया का मेरा पहला ब्रेकफास्ट था, जो कि मुझे बहुत ही मज़ा आया था ब्रेकफास्ट करते हुए। देखिए मैं कैसे एक एक एलिमेंट्स को मैं चेक कर रही हूँ, यू कैन सी दैट इन द वीडियो। इसके बाद हमने खूब अच्छे से भर पेट नाश्ता किया, क्योंकि आज हमारा फुल डे घूमने का प्लान था फ्रॉम 9 to 5। तो हमने बहुत ही अच्छे से नाश्ता करने के बाद निकल पड़े हम ट्रैवलर की खोज में हमारी। फिर हमें बहुत देर के बाद अपना ट्रैवलर मिल गया था और अब हम लोग आकर बैठ भी गए। इस वक्त वीडियो में आपको एक व्यक्ति बोलते हुए नज़र आ रहे होंगे, वो हमारे गाइड थे। वैसे तो घूमने के लिए बैंगलोर शहर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन आज के मेन स्पॉट्स में मैं इस्कॉन टेंपल, टीपू सुल्तान समर पैलेस, लाल बाग बोटैनिकल गार्डन और विश्वेश्वरिया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम, हम मेनली इन्हीं प्लेसेस को कवर करने वाले हैं। अगर आपको भी इन सभी प्लेसेस के बारे में इन डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। और एक प्रो टिप मैं देना चाहूँगी, इफ़ यू आर ए गर्ल और आपको इस्कॉन टेम्पल के अंदर एंटर करना है तो प्लीज़ वेयर समथिंग लॉन्ग, क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट ड्रेसेस में अलाउ नहीं करते हैं। बट वो कोई दिक्कत नहीं लाती है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप शॉर्ट ड्रेस पहनकर भी जाते हैं गेट पर आपको ड्रेसेस लॉन्ग स्कर्ट्स जो है आपको रेंट में मिल जाती है। आप उसे बहुत ही नॉर्मल प्राइस में उसे रेंट पर लेकर भी जा सकते हैं। दर्शन स्थल जो है वहाँ से हम लोग क्रॉस हो रहे हैं। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों कि इस्कॉन बिल्कुल हमारे पास में ही है। दोस्तों, ये मेरा सेकेंड इस्कॉन टेम्पल है जिसकी मैं आज दर्शन करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं वेस्ट बंगाल के मायापुर के इस्कॉन भी विजिट कर चुकी हूँ। अब देखते हैं कि यहाँ बैंगलोर का इस्कॉन का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहता है। यह मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य में बैंगलोर के पास राजाजी नामक स्थान पर स्थित है। इस्कॉन को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के नाम से भी जाना जाता है और यह एक हिंदू धार्मिक संगठन है जिसके मंदिर पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में भी स्थापित है। पूरे विश्व भर में फैले सुंदर इस्कॉन टेम्पल भक्तों और यात्रियों के लिए महान आकर्षण के केंद्र है, जो शहरी जीवन की हलचल से कुछ समय दूर रहना चाहते हैं। इस्कॉन मंदिर बैंगलोर में जो कपाट खुलने का समय है वह सुबह 4 बजे ही मंदिर का जो कपाट है वो खुल जाता है। उसके बाद सुबह 4:15 पर मंगल आरती होती है, 4:45 पर तुलसी पूजा होती है, 5 बजे श्री नरसिंह आरती होती है और सुबह 8:30 श्रीमद् भागवतम पर व्याख्यान भी होती है। तो जो भक्तजन है वो जिसे जो भी पूजा अटेंड करना है उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं।
राइट नाउ वी आर एट गुरुवायूर श्री कृष्णा टेम्पल। यहाँ पे बोर्ड है। इस्कॉन मंदिर में हमने पूजा अर्चना की, काफ़ी समय बिताया और फिर हम वापस आ गए हमने अपने व्हीकल के पास में। और फिर हमारे गाइड ने बताया कि पास ही में और एक मंदिर भी है, अगर हम चाहे तो वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। तो हम चले गए और यहाँ पर भी थोड़ी समय हमने व्यतीत किया और फिर हम निकल पड़े अपने सेकेंड स्पॉट की ओर। अब हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं हमारे सेकंड स्पॉट जो कि है टीपू सुल्तान समर पैलेस। अब हम लोग जा रहे हैं टीपू सुल्तान पैलेस ना, टीपू सुल्तान पैलेस। हाँ तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं टीपू सुल्तान पैलेस, देखते हैं उसका व्यू फ्रॉम बैक साइड। दिस इज द व्यू। टीपू सुल्तान समर पैलेस का जो लोकेशन है वो है श्रीरंगापटना, जो कि खुली रहती है सुबह के 8:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक ऑन ऑल डेज। और यहाँ का जो प्रवेश शुल्क या फिर एंट्री फीस है वो है भारतीयों के लिए 20 रुपये और विदेशियों के लिए जो है वो 200 रुपये का होता है। टीपू सुल्तान का समर पैलेस बैंगलोर भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का ग्रीष्मावकालीन निवास थे, यानी समर के समय में ही टीपू सुल्तान इस महल में आकर रहते थे। गाइस अब हम टीपू सुल्तान पैलेस पे आए हैं, जा रहे हैं हम लोग एंट्री की तरफ। लेट्स गो। अंधेरा अंधेरा नहीं लग रहा है? अच्छा है ना। इस किले के छोटे से भाग को म्यूजियम में भी कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें टीपू सुल्तान के वेरियस लाइफ इवेंट्स को शोकेस किया गया है। जैसे ही हम इस पैलेस में एंटर करते हैं हमें ऐसा फील होता है कि हम एक डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट एरा में पहुंच गए हैं। और इसकी जो सीरीन वाइब है, मतलब ये दिल को काफ़ी शांति देती है। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके बाद हमने गेट के पास गन्ने का जूस पिया और हम निकल पड़े हमारे थर्ड स्पॉट पर, जिसका नाम है लाल बाग बोटैनिकल गार्डन। लाल बाग कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में स्थित एक पार्क या उद्यान है। यहाँ कई एकड़ क्षेत्र में फैले घास के लॉन, दूर तक फैली हरियाली, सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़, सुंदर झीलें, कमल के तालाब, गुलाबों की क्यारियाँ और सजावटी फूल हैं। ये स्थान बैंगलोर में लाल बाग बोटैनिकल गार्डन या लाल बाग वनस्पति उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। और तो और इस पार्क में भारत की बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। लाल बाग बेंगलुरु के मेजर अट्रैक्टेड प्लेसेस में से एक है और जो लगभग 240 एकड़ ज़मीन पर फैली हुई है। और लाल बाग में आपको इंडिया के लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट्स और आपको यहाँ पर हज़ारों साल पुरानी पेड़ को भी देखने का मौका मिलेगा, जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी वो पेड़ कौन सी है। लाल बाग बोटैनिकल गार्डन की जो टाइमिंग है वो सुबह के 6 बजे से शाम के 7 बजे तक खुली होती है और इसकी जो एंट्री फ़ी है वो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग के समय में फ्री रहती है और बाकी समय में एक नॉमिनल चार्ज जो है इस पर अप्लाई की होती है। इस वक्त जिस पेड़ को आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, ये 200 साल पुरानी पेड़ है, आप देख सकते हैं। लाल बाग को हमने घूम लिया, हमसे जितना बन पड़ा हमने उतना घूम लिया, क्योंकि ये इतना वास्ट एरिया में है तो 1-2 घंटे के अंदर में हमसे जितना बन पड़ा हमने तो घूम लिया। उसके बाद हम फिर से वापस निकल पड़े हमारे नेक्स्ट स्पॉट के लिए।
लाल बाग से निकलने के बाद हम एक शोरूम में गए जहाँ पर सिल्क के बहुत ही सुंदर सुंदर खूबसूरत कपड़े, दुपट्टे, एवरीथिंग वहाँ पर था। तो हमने थोड़ी बहुत वहाँ से भी शॉपिंग की। बहुत ही अमेजिंग शॉप था। मैंने इससे पहले सिल्क की इतनी सारी वेराइटीज़ मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था। लंच का टाइम हो चुका था और घूम घूम कर हम बहुत भूखे भी थे, तो हमने सोचा कि ना खाना खा लिया जाए। तो हमने ऑर्डर किया साउथ इंडियन थाली, जो कि काफ़ी डिलीशियस था। इसके बाद हमारा फोर्थ एंड लास्ट स्पॉट है विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूज़ियम। विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूज़ियम यह राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद भारत सरकार की एक घटक इकाई है, जो कि भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया की स्मृति में स्थापित की गई थी और 14 जुलाई 1962 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। यह संग्रहालय एक वर्ष में लगभग 10 लाख आगंतुकों को आकर्षित करता है और यह प्रत्येक दिन सुबह के 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला होता है, एक्सेप्ट दीपावली एंड गणेश चतुर्थी। इन प्रदर्शनियों के अलावा संग्रहालय में एक साइंस शो हॉल, एक 3D थिएटर, एक 250 सीटों वाला ऑडिटोरियम और कैफेटेरिया भी शामिल है। इंजन हॉल विभिन्न कारों के इंजन, उद्योग में उपयोग की जाने वाली मशीनों, जेट विमान इंजन और अन्य यांत्रिक उपकरणों को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रोटेक्निक गैलरी में इंटरैक्टिव विद्युत प्रदर्शन होते हैं, जो बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार की बुनियादी सिद्धांतों पर काम करते हैं। फन साइंस गैलरी में ध्वनि, प्रकाशिकी, तरल पदार्थ, गणित और धारणा के विज्ञान को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर आपको एवरी मॉडल में, हर एग्जिबिट्स में इतने सुंदर सुंदर फन एलिमेंट्स को ऐड किया गया है। हमने तो खूब एंजॉय किया था, स्पेशली इस गैलरी में।
के साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। बैंगलोर के और कौन कौन से प्लेसेस को हमने एक्सप्लोर किया है, कहाँ से हमने शॉपिंग की है, उसका फुल वीडियो आपको day 3 नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ मी फॉर माई फर्स्ट एवर साउथ इंडिया ट्रैवल व्लॉग सीरीज। थैंक यू। If you are liking my video and want to hear from me again, be sure to hit the like and subscribe button before you go. और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए।